हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं। मिक्स सॉस पास्ता ये बड़ा ही टेस्टी बना था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए, सॉस पास्ता हमारा बनकर ऐसा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। इसे बनाने के लिए मैंने एक बॉल में पानी गर्म किया, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला और चुटकी भर नमक डाला। अब इसमें हम जितना पास्ता हमें बॉयल बनाना है उतना हम उसे बॉयल करने डाल देंगे। इसे बॉयल होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। ये हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है, इसे हमने अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया है और उधर हमने कढ़ाही चढ़ा दिया था, उसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल डाला है। उसमें हल्का सा तेल गरम होने के बाद हमने फन फूड डाला है। फन फूड डालने के बाद हमने तंदूरी मायो डाला, थोड़ा रेड चिल्ली सॉस डाला। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे। 1 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से चलाते हैं, उसके बाद इसमें हम थोड़ा ग्रीन चिल्ली सॉस डालते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और कुछ? अब इसमें थोड़ा हम 1 चम्मच जैसा पिज्जा वाला शेजवान सॉस डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस अब ये हमारा अच्छी तरह से सॉस पक गया है। अब इसमें जो हमने पास्ता उबाल कर रखा है, पास्ते को हम मिक्स कर देंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाते हैं और ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है बनने के बाद और इजी भी है। अब ये हमारा 2-3 मिनट तक हम इसे पका लिए हैं। अब हम गैस बंद करके इसमें थोड़ा टोमेटो सॉस मिक्स करेंगे ऊपर से, थोड़ा ऑरिगेनो और थोड़ा चिली फ्लेक्स हम इसमें मिक्स कर देते हैं ऊपर से। ये गैस बंद होने के बाद ही हम इसमें मिक्स करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब ये हमारा सॉस पास्ता बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ओके, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।